हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन के अंदर रिएक्शन विद हैलोजन्स के बारे में, रिएक्शन विद नाइट्रोजन के बारे में और रिएक्शन विद मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो जो लोग जो है वो एनसीईआरटी साथ में फॉलो कर रहे हैं वो लोग देख रहे होंगे, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के टॉपिक में सीरियल ऑर्डर में हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो साथ साथ इसको नोट डाउन करते रहो और साथ साथ समझते रहो और रोज रिवीजन करते रहो, जिससे आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी। मैं आपका अपना दोस्त गगनदीप वधावन फ्रॉम डिक्की इंस्टीट्यूट शाहबाद मारकंडा हाजिर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद हैलोजन्स। तो मुझे लगता है जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं उन लोगों को मालूम होगा कि हैलोजन्स जो है वो ग्रुप 17 के कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, सॉरी। ग्रुप 17 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो हैं हमारे पास हैलोजन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जब एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे हैलोजन्स को, तो हाइड्रोजन जब भी जो है वो किसी हैलोजन से रिएक्ट कर रहा है तो वो एच एक्स बना रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एच सी एल बना रहा है, ये बहुत कॉमन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप लोगों ने सुना होगा। एच बी आर हाइड्रो ब्रोमिक एसिड हो गया, एच एफ बना रहा है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एच आई जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो चीज मेन नोटिस करने वाली है वो ये है कि जो ये रिएक्शन है ये क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में टेक प्लेस करती है। ठीक है, लेकिन ये फ्लोरीन के साथ जो है ये डार्क में हो जाती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करने वाला है, रिएक्शन विद फ्लोरीन मतलब जब हम लोग इसको हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये रिएक्शन बहुत डार्कनेस के अंदर भी इवन टेक प्लेस कर जाती है। ठीक है, इसको लाइट की जरूरत नहीं है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को एक्सटर्नली जो है वो लाइट की जरूरत जो है इस रिएक्शन के लिए पड़ती है। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो रिएक्शन विद आयोडीन जो है उसको इवन कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं हाइड्रोजन को I2 से रिएक्ट करवा रहा हूं तो जब HI बन रहा है तो वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो है वो हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करें ड्यूटेरियम के साथ, D2 के साथ, तो इसके अंदर जो है यहाँ पे HX का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे जो है हमारे पास DX का फॉर्मेशन जो है वो होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। हैलोजन्स जो हैं वो हाइड्रोजन से डायरेक्टली कंबाइन करके जो है वो एसिड्स का फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास कर रहे हैं, जिसमें HF, HCl, HBr और HI जो है हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट अभी टॉपिक टेकअप करूंगा रिएक्शन विद नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसके अंदर देखो जो हाइड्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ होती है उस पर्टिकुलर रिएक्शन में बनता है अमोनिया। ठीक है, क्या बनता है? अमोनिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जिसमें हम लोग हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं और अमोनिया का फॉर्मेशन करवाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ये रिएक्शन कैसे टेक प्लेस कर रही है। यहां पे हाइड्रोजन H2 डायटोमिक स्टेट में N2 से कंबाइन करता है। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। साथ में आयरन जो है इस रिएक्शन में हम लोग कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे अमोनिया का जो है वो NH3 का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर है, तो 92.6 किलो जूल पर मोल जो है इसके अंदर हीट हमारे पास जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये ड्यूटेरियम की अगर मैं बात करूं, अगर यहां पे मैं H2 की जगह D2 से रिएक्शन करवाऊं तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होने की वजह से यहां पे हमारे पास NH3 की जगह ND3 का फॉर्मेशन जो है वो होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हेबर्स प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन से कंबाइन करती है और अमोनिया का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। काफी हाई टेम्परेचर पर यह रिएक्शन हो रही है और हाई प्रेशर पर यह रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो कई बार ये रिएक्शन की कंडीशंस के ऊपर जो है JEE में या नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो इतनी हार्श कंडीशंस पे क्यों टेक प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जो डिटेल डिस्कशन है वो इक्विलिब्रियम चैप्टर में ली चेटलियर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, ये भी गैसियस मॉलिक्यूल है और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखो तो 3+1 इज 4 गैसियस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड पे 4 गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं।
तो ऐसी रिएक्शंस के लिए हाई प्रेशर की कंडीशंस जो है वो फेवरेबल होती हैं, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम है मतलब जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर के अंदर वो ज्यादा होगा क्योंकि प्रेशर कंडीशंस जो है वो ज्यादा है। ठीक है, इसका डिटेल डिस्कशन मैं अपनी फ्यूचर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ली चेटले प्रिंसिपल में आपको समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप याद रखो कि ये कंडीशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में आयरन जो है वो एज ए कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको उसमें पता होगा कि हम लोगों ने कुल 5 ऐसे एटम्स की बात की थी, ऐसे एलिमेंट्स की बात की थी जो हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे जो है वो एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। ठीक है, उनमें से एक था आयरन, कोबाल्ट, प्लेटिनियम, पैलेडियम और निकल। तो आयरन जो है वो एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यहां पे दोनों गैसेस को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करवा के ये रिएक्शन को जो है वो प्रोसीड करवाने में जो है हेल्प कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर है। मैं नेक्स्ट आगे प्रोसीड करता हूं, आगे हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन की आप लोगों को पता है कि मेटल्स यूजुअली क्या होते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन की हमने फर्स्ट अपनी कुछ अर्ली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि यूनि नेगेटिव आयंस का भी फॉर्मेशन जो है वो हाइड्रोजन हमारे पास कर रही है। ठीक है, तो अब देखो मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी क्योंकि उसकी 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अचीव हो जाएगी। तो जिसकी वजह से एक मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को कैच कर रहा है, गेन कर रहा है, और एक जो है वो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड का जो है हमारे पास फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी का एक जिसको बोलते हैं यहाँ पे एग्जांपल है। तो देखो यहाँ पे कोई मेटल लिया हम लोगों ने, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में मैं एल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूँ, तो एल्कली मेटल कोई भी हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो यहाँ पे हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एन सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो NaH बनेगा, लिथियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो LiH बनेगा, पोटेशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो KH बनेगा। तो डिपेंडिंग ऑन कौन से वाला अल्कली मेटल हम लोगों ने ले रखा है उसके साथ जो है यहां पे हाइड्राइड का फॉर्मेशन जो है वो होगा। ठीक है, तो ये सिमिलरली मैं बार-बार आपको टेकअप कर रहा हूं इस चीज को क्योंकि ड्यूटेरियम जो है वो भी हाइड्रोजन के जैसे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। तो ये रिएक्शन में जो D2 रिएक्ट करेगा वो यहां पे हमारे पास MD का फॉर्मेशन जो है वो, सिमिलरली जैसे हाइड्रोजन जो है वो MH का फॉर्मेशन कर रहा है, सिमिलरली जो D2 है वो हमारे पास MD का जो है वो फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, प्लीज मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। होप आप सब कुछ नोट डाउन करते जा रहे हैं और मेरी वीडियोस को बार बार सुनते जा रहे हैं, रिवाइज करते जा रहे हैं। फिर मिलेंगे आप अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।